स्वागत है आपका रिमांस नॉर्थ एंड साउथ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी आम की लौंची। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आम की लौंची बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 600 ग्राम कच्चा आम लिया है। मैंने तोतापुरी आम लिया है, आप कोई भी आम का बना सकते हैं। इसको मैंने उसके आगे पीछे के पार्ट को थोड़ा सा कट कर दिया है। अब इसको हम छील लेंगे, इसके छिलके को उतार लेंगे। बहुत से लोग छिलके सहित भी बनाते हैं, आप चाहे तो छिलके सहित भी बना सकते हैं। उससे इसके पीस थोड़े से साबुत रहेंगे, गलेंगे नहीं। इस तरीके से हम पूरे आम को छील लेंगे, बहुत आसानी से छिल जाता है। मुझे बहुत ही पसंद है ये आम की चटनी। आप आम की चटनी या गलका या आम की लौंची कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने दोनों आम को छील लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए कट नहीं हो रहा है, यानी कि इसकी गुठली जो है अंदर की वो हार्ड है, इसलिए आपको इसके ऊपर के गूदे को ही कट करना रहेगा। इस तरीके से आप ऊपर के गूदे को कट कर लें। अगर इसकी अंदर की गुठली हार्ड है तो इस तरीके से ही आपको कट करना होगा। अगर सॉफ्ट है तो आप इसको बीच से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों आम को कट कर लिया है, छोटे हिस्सों में कर लिया, बहुत छोटा भी नहीं किया है, मीडियम पीस है ये। अब कढ़ाई रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे हींग। बहुत ज्यादा मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले हैं, बस इतना ही डाला है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आम जो काट के रखा है। आम डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल में, और इसी तरीके से हम इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले इसको ओपन में ही हम पका लेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं पकानी है, 1 मिनट के लिए भी आप इसको भून लें इस तरीके से। अब इसको हम क्लोज कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बस बहुत ज्यादा देर नहीं है आपको क्लोज करना है इसको। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है लगभग, आम का कलर भी चेंज हो गया है। इसको चला दिया है चम्मच से मैंने। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट डाला है, और कुछ भी मसाले यूज नहीं किए हैं पिसे भी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने इसको। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे गुड़। मैंने गुड़ जो है बराबर मात्रा में नहीं लिया है, 600 ग्राम आम था, 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। अगर आम खट्टा यूज कर रहे हैं तो आप गुड़ को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, मतलब जितना आम है उतना ही आप गुड़ यानी कि जैगरी ले सकते हैं। लेकिन यह आम खट्टा नहीं था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने 1/2 गुड़ का यूज किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, गल गया है, और इसका जो भी पानी निकला है ये बिल्कुल सूख जाना चाहिए, मतलब एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए ये, और आम जो है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। तब तक हम इसको पकाएंगे, फिर से इसको ढक देंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये बिल्कुल परफेक्ट चटनी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम और नहीं पकाएंगे, वरना ये थिक हो जाएगी तो जम जाएगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। आम भी पक चुका है, इसको हम चलेंगे ठंडा होने के बाद सर्व करने के लिए। ये देखिए ये अब ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी है, बिल्कुल परफेक्ट चटनी हमारी बन के रेडी हुई है। अगर हम इसको और पका देते ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती। आप इस चटनी को रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो रोटी पराठे के साथ इसको ऐसे भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।